नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हमारे विधायकों और नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक हमारे खिलाफ 170 केस दर्ज किए गए, 140 फैसले हमारे पक्ष में आए, एक पैसे का घोटाला नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा, एएपी नेताओं के खिलाफ फर्जी मामला चल रहा है। 2 साल से हमारे सीनियर नेताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया और अमानतुल्ला खान के घर पर छापेमारी की, एक पैसे का घोटाला नहीं निकला। भ्रष्ट नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा, मोदी की चाल और जुबान में अहंकार है, उनसे सब कोई डरा हुआ है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि एएपी को कुचल दिया जाए। 2015 में जैसे ही हमारी सरकार बनी तो शुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइल जांच की गई, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अब तक जितने भी जजमेंट आए हैं उससे हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं निकला। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।